टू फैमिली, वेलकम टू सावजी स्पेशल चैनल। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी और यम्मी आलू सैंडविच। इसके लिए हमें लगेगा 3 उबले हुए आलू, ब्रेड, बटर, चीज जो ऑप्शनल है, हरा धनिया, सॉस, 1 मिर्ची और 1 प्याज जिसको हमने बारीक काट लिया है, और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हमें आलू को मैश कर लेना है। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद हमें इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, स्वाद अनुसार नमक, इसको डालकर अच्छे से मिलाना है। अभी हमारा आलू का स्टफिंग रेडी है। आइए अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें एक ब्रेड स्लाइस लेना है। अब हमें टोमेटो सॉस को ब्रेड स्लाइस पर स्प्रेड कर देना है। इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अभी हमें चीज को ग्रेट कर लेना है। अभी हमें इसमें आलू का स्टफिंग डाल देना है। इसके बाद हमें एक और ब्रेड स्लाइस लेना है। इस पर भी हमें टोमेटो सॉस स्प्रेड करना है। इस ब्रेड स्लाइस पर हम लोग अभी मेयोनीज स्प्रेड कर देंगे। अभी हमें इस ब्रेड स्लाइस को उठाकर इस ब्रेड स्लाइस पर रख देना है। अभी इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए जिससे अच्छे से पहले वाले ब्रेड स्लाइस पर चिपक जाए। अभी हमें सैंडविच को सेकना है। अभी हमें बटर लेना है और सैंडविच मेकर पे ग्रीस करना है। अच्छे से ग्रीस करने के बाद हमें सैंडविच को इस सैंडविच मेकर पर डाल देना है। अभी हमें इसको गैस पे रख देना है। हमें इसे धीमी आंच पर 3 मिनट के लिए सेकना है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। तवे पे बनाने के लिए तवा गर्म होने के बाद हमें इस पर बटर डालना है। अभी हमें इस सैंडविच को इस पे रख देना है। बटर मेल्ट हो चुका है, आप गैस को धीमी आंच पर रखिए। अभी इसे हम पलटा देंगे। अभी हम इसे पलटाना है, उसके लिए हम एक साइड से बटर लगाएंगे। ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अभी हमें नीचे की साइड भी क्रिस्पी करनी है। ये हो चुका है, अब हम गैस बंद करेंगे। हमारा दूसरा सैंडविच भी अब रेडी है, इसे भी निकाल दीजिए। मैंने इसको तवे पर बनाया है और इसको सैंडविच मेकर पर। अभी हम इस सैंडविच को ट्रायंगल शेप में काट देंगे। इसको हम बीच से काटेंगे। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। हमारा सैंडविच रेडी है। इस पे हम लोग बहुत सारा चीज ग्रेट करेंगे और हम लोग इसे पेट भरकर खाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी
अच्छी लगी तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।